और बाकी आप लोग का देख रहा था, कमेंट देख रहा था मैं, आपके घर में कौन कौन से यूट्यूबर आ रहे हैं, किस किस को बुला रहे हैं, अंकुश सक्सेना को बुला रहे हैं कि नहीं, सचिन मनी साहब को बुला रहे हैं कि नहीं, आप जो रुद्र पूजा को बुला रहे हैं कि, बहुत सारे लोग जो है सजेस्ट कर रहे हैं कि भैया इसको तो जरूर बुलाइएगा, तो जिनसे भी जमता है उन्हीं लोगों को बुलाएंगे। एक चीज है कि सर्कल बढ़ाने से नहीं होता है, उसको आपको निभाना भी पड़ता है। इस वजह से हम लोग ज्यादा सर्कल नहीं बना रहे हैं, जितना रिश्ता है जी हम सोच रहे हैं उसी रिश्ते को निभाया जाए। हमने लिस्ट भी बना करके रखा है कि कुछ कुछ सबको कॉल वगैरह बहुत पहले ही चला गया है। एक बार ऐसा हो रहा था कि अच्छे से सारा कुछ क्लियर हो जाए, सब कुछ फाइनल हो जाता है तो फिर एक बार प्रॉपर वीडियो बना के बोलेंगे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपको अपने इस नए ब्लॉग में। तो आज गर्मी है जी, बहुत ही खतरनाक क्या कहे जी, और इस गर्मी में जाना है बाहर, वैसे अभी जो है शाम का मौसम हो चुका है तो थोड़ी सी राहत है, बाकी सुबह 7 बजे से 7 या 6:30 बजे से ऐसी गर्मी शुरू होती है, बिल्कुल की पूछिए मत। उसी टाइम से बाप रे इतनी धूप हो जाती है, बिल्कुल। तो उस धूप में है और फिलहाल हम लोग को घर का कुछ काम सब करना है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जी हाँ, हम लोगों के एनिवर्सरी को लेकर के जो है सभी लोगों को इनविटेशन चला गया है, कुछ कुछ लोगों से जो है हम लोग बात भी करेंगे, तो सभी से जो है उन सभी से वीडियो कॉल होगा तो वो सब भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाँ, और फिलहाल घर का जो भी अपना मेकओवर करना है वो सब कर लेना है जी, मेहमान आ रहे हैं तो जोर शोर से स्वागत करना है। तो फिलहाल चलते हैं मार्केट, कुछ खरीदारी करनी है, तो झोला सब ले लो, मेरा प्रेस वाला कपड़ा सब भी ले लो, वो सब भी प्रेस सब भी करवाना है। A few moments later. तो हम लोग आ गए हैं जी मार्केट के एक शॉप में और यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले कर्टेन और डोरमेट सब लेना है, तो देख रही है जी कि कौन सा डिजाइन हो गया तो रूम को थोड़ा सा चेंज करना है, इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा सोफा कवर और कर्टेन वगैरह चेंज करना है, तो देखते हैं कौन सा पसंद आता है। तो हम लोग दुकान से आ गए जी और हम लोग जो है अपना मैट फाइनल कर लिए हैं। अच्छा, ये फिलहाल अपना जो है ब्लाउज निकाल रही है, मम्मी को ब्लाउज दिखा रहे अपना, ये देखिए बहुत अच्छा सी, और भी दिखाते हैं मम्मी को, मेरा बहुत सारा ब्लाउज है, ये देखिए। अच्छा, ये सब है, अच्छा ना मैट सब क्या है वो सब दिखा दो। ये हम लिए कि नहा के जब निकले सब, तो ये रहे, ये वाला ले लिया, सूखेगा अच्छा से। ये है दोनों सेमी कलर का लिए है, एक ये डोरमेट ले लिया बाहर के लिए, ठीक है। The next day. तो हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया और आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो इस वजह से मैं काम भी उतना नहीं कर पा रही हूँ, और तो सारा काम मेरे पति के ऊपर आ गया है। कोई बात नहीं, चल रहा है जैसे चलना था, घर का तो काम चल ही जाता है। और बाकी आप लोग का देख रहा था, कमेंट देख रहा था मैं, जी हाँ आप लोग का कमेंट आ रहा था कि आपके घर में कौन कौन से यूट्यूबर आ रहे हैं, किस किस को बुला रहे हैं, अंकुश सक्सेना को बुला रहे हैं कि नहीं, सचिन मनी साहब को बुला रहे हैं कि नहीं, आप जो रुद्र पूजा को बुला रहे हैं कि नहीं, मतलब जिनका भी जो जो नाम होता है, जिस भी क्रिएटर को फॉलो करते आ रहे हैं, जिनसे भी कनेक्टिविटी है अपना, तो उन सभी के बारे में सभी लोग जानना चाह रहे थे कि आप उन सबको बुला रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग जो है सजेस्ट कर रहे हैं कि भैया इसको तो जरूर बुलाइएगा आप, तो बाकी देखिए जी जहाँ तक बुलाने और नहीं बुलाने का बात होता है, हम तो चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों को बुला ले जितना हो सके, लेकिन बात क्या है कि हम लोगों को भी देखना है कि कितने लोगों को बुला करके हम प्रॉपर उनको सम्मान दे सकते हैं और किन से हमारा जो है कनेक्शन ज्यादा अच्छा है, तो जिनसे भी जमता है उन्हीं लोगों को बुलाएंगे। और जो सबसे एक चीज है कि सर्कल बढ़ाने से नहीं होता है, उसको आपको निभाना भी पड़ता है। इस वजह से हम लोग ज्यादा सर्कल नहीं बना रहे हैं, जितना रिश्ता है जी हम सोच रहे हैं उसी रिश्ते को निभाया जाए, और उनमें से कौन कौन आ रहे हैं तो अब ज्यादा हम आपको इंतजार नहीं कराते हैं और आपको हम बताते हैं कौन कौन से, हमने लिस्ट भी बना करके रखा है कि कुछ कुछ सबको कॉल वगैरह बहुत पहले ही चला गया है, बट आप लोगों को मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था। एक बार ऐसा हो रहा था कि अच्छे से सारा कुछ क्लियर हो जाए, जैसे सब कुछ फाइनल हो जाता है तो फिर एक बार प्रॉपर वीडियो बना के बोलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, तो सबसे पहला जो लिस्ट में हम अपना नाम लेना चाहेंगे जी, वह है जी बहुत ही प्यारे से कपल है, बहुत ही हंसाते रहते हैं सभी को, और हम लोग भी उनका वीडियो देखते हैं, आप लोगों ने कई बार उनको हमारे साथ देखा है, उनका जो बेबी शोवर हुआ था उसमें हम लोग गए थे उनके यहाँ, तो अंकुश सक्सेना और स्वाति सक्सेना, जी हाँ, तो अंकुश और स्वाति दोनों को बुला रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि जब हम लोगों का फंक्शन है ठीक
उसके 2 दिन बाद उनके यहाँ भी फंक्शन है, बेटे का जन्मदिन है उनका, बिल्कुल हाँ, तो उनके चैनल पर भी आप वीडियो देख ही रहे होंगे, वो भी तैयारी में लगे हुए हैं। तो बाकी देखते हैं, अंकुश भाई को तो कहें कि आप थोड़ा समय निकाल करके, वो तो है बट देखते हैं, वो तो मजाक वगैरह ज्यादा करते हैं, तो इस वजह से उनके बात पे मैं कंफर्म श्योर नहीं हूँ कि वो आएंगे कि नहीं। अगर वो आ जाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा, लेकिन हम अगर नहीं भी आते हैं तो हम समझेंगे कि बहुत व्यस्तता है, क्योंकि आज यहाँ 21 को फंक्शन होगा और 23 को उनके यहाँ है, तो इस तरह करके सिचुएशन है। उसके अलावा जी है मोनिका जी, वाह बिल्कुल, मोनिका सिंह ऑफिशियल कुछ ऐसा करके नाम है इंस्टाग्राम, हाँ मोनिका सिन्हा, तो जिया की बात उनसे जो है बहुत पहले से ही है, बहुत पहले से, और वो एकदम दीदी वाला ट्रीट करती है मेरे साथ, वो मेरे से काफी बड़ी भी हैं, तो हमेशा कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे क्रियांश होने वाला था तो बहुत सारी हेल्प की थी उन्होंने, तो बिल्कुल जी बहुत अच्छी है, हम लोग उनके घर पे भी गए हैं। तो उनके अलावा जो फिर अब हम और अब जो हम है थोड़ा नाम तेजी तेजी से लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी आपको बता पाए, और अगला जो नाम है जी वह है उनकी सिस्टर दिव्या जी, बहुत अच्छा मेकअप सब करती है, जिया का एक बार मेकअप भी की थी, वह बहुत प्यारी है, वो ऐसा नहीं कि मैं मेकअप करने आ रही हूँ, वो हमारी छोटी बहन जैसी है, इस वजह से बस इस रिश्ते से आ रही है वो, तो बहुत अच्छा लगेगा सभी लोग आएंगे। सही बात है जी। उसके बाद जो अगला है जी वह बहुत ही पॉपुलर है, आप लोगों ने उनको YouTube पर भी देखा होगा, शायद बहुत लोगों ने नहीं भी देखा हो, लेकिन जिन्होंने भी देखा होगा बहुत ही मस्त वीडियो बनाती है और बहुत ही हंसाती है, तो उनका नाम है अस्तुति जी, अस्तुति आनंद, हाँ, तो आप उनको देख सकते हैं उनके Instagram और YouTube पर, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं उनके और बहुत चाहने वाले हैं उनके, तो वह भी आएंगे और हमारा जो पार्टी है कुछ स्पेशल होने वाला है। वो क्रियांश के बर्थडे में भी आने वाली थी लेकिन उनका एग्जाम आ गया था, इस वजह से वो नहीं आ पाई, हमारी एनिवर्सरी में उन्होंने बोला कि श्योर आएंगे, वो पक्का आएंगे भी। अगले जो क्रिएटर है जी जिनको हमने इनवाइट किया है वो है जी अमित किट्टो जायसवाल जी, हाँ उन लोगों को भी इनवाइट किया है और उम्मीद करते हैं वो लोग भी आए और हमारे पार्टी में चार चांद लगाए। तब इसके बाद अब बारी है अगले क्रिएटर की, इसके बाद जो है जी आई एम छोटी जी, हाँ वो हमारे घर से जो है लगभग 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर ही उनका घर है, लेकिन हम लोगों का जो है मुलाकात कभी नहीं हो पाया था, हम लोगों को और पता वो नहीं हमारे रिश्ते में भी आती है, हमें नहीं पता था, जब उनसे बात हुई तो पता चला रिश्ते में भी, बिल्कुल जी, तो वह भी आएंगी आई एम छोटी और उनकी मम्मी है वह सब, तो काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद जो अगला नाम है जी वह है जेसिका जी का, तो जेसिका जी के साथ आपने एक दो बार देखा होगा हमें वीडियो में, तो जेसिका जी भी आ रही हैं और थोड़ा हिचकिचा रही थी आने में, क्योंकि वो बोल रही थी पहली बार इस तरह से क्रिएटर के बीच में आ रही है वो। हाँ, लेकिन बोली जी है तुम्हारे घर जाने में तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बट मैं आ सकती हूँ, तो भैया को भी हमने बहुत मनाया तो फिर वो आ रही है और सच में बहुत अच्छी है, आएंगी तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जेसिका जी के बाद बारी है जी कोमल पूर्वे का जी, हाँ कोमल के साथ जिया का देख सकते हैं जी अच्छा खासा जुगलबंदी रहता है, जो भी बहुत पहले बहुत अच्छी फ्रेंड मेरी बन चुकी है कोमल, और हमारे कटिहार की है तो उसका तो आना कंफर्म है, वो जरूर आएगी। और उसके बाद जो अगला नाम है जी वह है ब्यूटी चंदन तिवारी, तो क्रियांश के बर्थडे में भी वो आई थी और हम लोग जो है जब एक बार जा रहे थे लखनऊ, तो उनका जो एरिया है क्या ना बक्सर, हाँ, तो बक्सर होकर के जो हम लोग जा रहे थे तो एक बार हम लोगों को रास्ते में ही सरप्राइज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ था। लास्ट ईयर हम लोगों ने अपनी एनिवर्सरी नहीं मनाई थी, उन्हीं के यहाँ पे मनाई थी क्योंकि हम लोग ट्रेवल कर रहे थे उस टाइम, हम लोग को समय नहीं मिल पाया था, तो उसने कैसे भी रिक्वेस्ट करके अपने घर पे बुलाया और वहीं पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो सेलिब्रेट किया। सही बात है जी। तब इसके बाद जल्दी से अगला नाम लेना चाहेंगे वह है जी कपल लाइफ व्लॉग जी, हाँ मिस्टू के तो दोस्त है वो मिथुन भाई, तो मिथुन और मिस्टू से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, तो मिथुन भाई और काजल जी वो लोग भी आ रहे हैं। और उसके बाद जो अगला नाम है जी वह है मिस्टू और मिस्टी जी, हाँ मिस्टू मिस्टी से तो हम लोगों को लगता है कि YouTube में जो सबसे पुराने साथी होंगे उनमें से एक हैं ये लोग, तो ये लोग भी आ रहे हैं। और इसके बाद जो है जी वह है विजय रिया ब्लॉग्स, विजय भाई की हम लोग गए हुए थे उनके बेटे का जब जन्म हुआ था, इतने जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, व्यूज सब भी इतने अच्छे थे, लेकिन जब आप उनसे मिलोगे ना तो एकदम ये सब नहीं पता चलेगा आपको, बहुत अच्छे आदमी। तो बहुत अच्छा लगा जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी उनसे, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, मुझे जो है डाउट लग रहा था कि शायद विजय भाई अकेले हैं, रिया जी नहीं आए वो सब ने, लेकिन नहीं विजय भी आ रहे हैं, उनकी वाइफ भी आ रही है रिया जी, तो आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लिस्ट में जो अगला नाम है जी वह है जी हमारे जीजू का जी, हाँ इंटरनेशनल जीजू है वह, तो पंकज निशा प्रसून, तो उन सभी को भी इनवाइट किए हैं और वो लोग भी आने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं वो लोग भी आएंगे और हमारी इस पार्टी में चार चांद लगा देंगे। बिल्कुल, दो जेठानी देवरानी है उन दोनों को हम बुला रहे हैं, आप लोग भी उन सभी का ब्लॉग देखते होंगे जी, हाँ हम लोग जो है निकी जी को भी बुला रहे हैं,
निकू सुमित ऑफिशियल जिनका यूट्यूब चैनल है और कामनी सिंह ऑफिशियल, कामनी अजीत सिंह ऑफिशियल, तो उन दोनों को बुला रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग आए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और उसके बाद जो अगला नाम है जी, और उसके अलावा है जी एक है फगुनिया जी, तो शायद आप लोग जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो, आप लोग उनका जो है चैनल आप फेसबुक पर ढूंढ सकते हैं और आप अपने इंस्टाग्राम पर ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर देखेंगे बहुत ही पॉपुलर चेहरे हैं वह। और हम लोगों की मुलाकात हुई थी फगुनिया जी से काजल मिथुन के यहाँ, वहाँ पर मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर विजय भाई की यहाँ भी, विजयरिया ब्लॉग्स उनके यहाँ भी गए थे तो वहाँ भी उनसे मुलाकात हुई थी। और उसके बाद है जी सचिन मनीषा जी, जी हाँ सचिन मनीषा जी भी आ रहे हैं इस बार, उनकी पूरी फैमिली को, पूरी फैमिली को इनवाइट किया है, चाहे प्रिंस हो, रंजना हो, उनकी मम्मी हो, उनकी बहन हो, सभी को इनवाइट किया है, तो सभी लोग आएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और सबसे आखिरी में हमारे जो सबसे अजीज दोस्त है, सबसे क्लोज है उनका है, क्योंकि उनसे तो हमेशा बात होती रहती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वह जी रुद्र पूजा जी, हाँ तो वो लोग भी आने वाले हैं और वो हमेशा हम लोगों के साथ रहे स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक हमारे हर सुख दुख में, तो उनका तो आना कंफर्म है, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर ये फंक्शन बनता नहीं है। और इसके अलावा एक और नाम है जो इस लिस्ट में नहीं था लेकिन वो आ रही है, प्रियादीप ब्लॉग, प्रियादीप ब्लॉग तो लिस्ट में है, बट अभी जो जो श्योर होते जा रहा था ना, मैं उनका एक अलग से लिस्ट बना रही थी, फिर जब उनसे अभी बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम भी आ रहे हैं, तो फिर वो हमारी लिस्ट में आ गए। तो जी इतने सारे लोगों के तो हमने नाम जुड़वा दिए और इसके बाद देखते हैं कि और भी सरप्राइज है आप लोगों के लिए, अभी उनसे कंफर्म नहीं हुआ बट हम लोगों ने इन्वाइट किया हुआ है बहुत सारे लोगों को, तो जैसे जैसे श्योर होते जाएगा मैं आप लोगों को बताते जाएंगे। तो यही था जी हमारी तरफ से, जो भी गेस्ट आने वाले हैं उनमें से कुछ का झलक आपको दे दिया और कुछ सरप्राइज रहेगा, जाहिर सी बात है जी, कुछ तो रखे सरप्राइज उस दिन के लिए तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। इस बार हम लोगों का जितना भी सेलिब्रेशन अभी तक आपने देखा है उनमें से सारा सबसे बेस्ट सेलिब्रेशन इस बार हम लोग करने वाले हैं ये चीज़। लेकिन हमने सोचा था, इतना भी ग्रैंड नहीं सोचा था, क्योंकि हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि हमारे बेटे का जो सेलिब्रेशन हो वो थोड़ा ग्रैंड हो, है ना, लेकिन ये हमारे पति जो है थोड़ा, क्योंकि हमें कभी मन था कि हमारी एनिवर्सरी अच्छे सेलिब्रेट हो, तो बिल्कुल जी, शादी की 5 साल हुई है और 1 साल के बाद अब 5 साल, फिर अब अगला इस तरह का इवेंट, फिर 10 साल और हाँ माता रानी करेंगी तो सब कुछ अच्छा रहा, तो छोटी सी जिंदगी है जी और मस्त मस्ती में जीना है, मजे में जीना है, बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे देते रहिए और बहुत सारा भर भर के। तो अब ऐसा करते हैं जी, इस वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं, अब ज्यादा बातचीत नहीं करते क्योंकि वीडियो लंबा होती काफी लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।